ऑल राइट, गुड मॉर्निंग जी, माय नेम इज निखिल एंड यू आर वाचिंग पहाड़ी डीएनए। आज के व्लॉग में हम थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे क्योंकि आज हम जाने वाले हैं स्टोन कुंभ, जो कि सिचुएटेड है चायल में, सोलन के आसपास ही है वो। तो वहाँ जाने के लिए वीडियो लंबा हो सकता है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे। आज की सुबह की मॉर्निंग हुई है वो है सोलन में, और सोलन का व्यू देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत वाला। तो अभी निकलते हैं यहाँ इस रूम से और फिर आगे की बात आगे ही करते हैं। ये वाली है सोलन की मार्केट। अभी सीधा पहुंचेंगे हम माल रोड। ये वाला है माल रोड। और ये वाला है चंबा घाट। अभी अपन लोग को काफ़ी दूर जाना है। अभी यहाँ से पहुँचेंगे हम सीधा ही, नाम भूल गया मैं उधर का, ब्यूटी मैम, ब्यूटी। बाइक राइड कर रहे हो तो अकेले खुद से बात करना, कैमरे से बात करना थोड़ा अजीब अभी लगता है, बट इसी की तो आदत डालनी है। ये जो आने वाला है ये है कंडा घाट, चंबा घाट, कंडा घाट, इनमें मैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ। और इधर से हम जाएंगे चायल के लिए, इधर से रास्ता कट जाएगा नीचे की ओर। वैसे हमें पता नहीं था कि इस पर इतने ट्रक वगैरह चलते हैं। पीछे तो काफ़ी ट्रैफिक था, पीछे तो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, बट बहुत ट्रैफिक था भाई। लगभग 17 किलोमीटर हम आ गए हैं सोलन से। जब मैंने फ्यूल रिफिल करवाया था उस टाइम मैंने मीटर को जीरो पर कर दिया था, तो अभी मुझे लगभग 16 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, 17 किलोमीटर के अराउंड। ये शाम मस्ताने मधु। वैसे मुझे ना एक वीडियो बनाना था, जैसे कि इंस्टाग्राम के लिए लोग बनाते हैं आजकल। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंस्टाग्राम को भी अच्छे से यूज़ कर सकूँ, क्योंकि मैं फ़ोटोज़ वगैरह बहुत कम डालता हूँ इंस्टाग्राम पे। थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं सतपुल। अभी जब हम थोड़ा आ गए हैं लगभग 30 किलोमीटर, तो अब थोड़ा फील हो रहा है कि हम चायल के आसपास पहुंचने वाले हैं। अभी तो थोड़ी चीड़ के पेड़ आए हैं, थोड़े देवदार के पेड़ भी शायद आगे आ जाएंगे। ऑल राइट, तो अभी हम चायल से लगभग 10 किलोमीटर पीछे हैं और यहाँ पर एक थोड़ा एडवेंचर वाला कुछ है, तो हमने सोचा कि हम उधर को जाएँ या नहीं, तो उससे पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो अभी हम ये वाली जगह भी देख ही लेते हैं कि कैसी है जब इतना दूर आ गए हैं। जंगल स्टे कैंप, रिट्रीट, रेस्टोरेंट, पता नहीं क्या क्या है, जाके ही पता लगेगा। थोड़ा ऑफ रोड तो इस साइड है, थोड़ा कच्चे रोड पे चलना पड़ेगा, पर अगर देखने को थोड़ा वर्थ हुआ और अपना पैसा वसूल हो गया तो बात ही क्या। कुछ कैंप वगैरह दिख रहे हैं इधर पे। राइट, अभी हम जैसे चायल जा रहे थे तो चायल से थोड़ा पीछे आपको एक जगह मिल जाएगी, जंगल स्टे, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो और एडवेंचर का भी थोड़ा बहुत रहता है उधर पे। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर कैंप वगैरह आपको मिल जाएगा और एडवेंचर के लिए भी आपको काफ़ी अच्छी जगह इधर मिल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ का टेंट का भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ के जो पूरा टेंट है ये कुछ इस तरह का है, प्रॉपरली आपको बेड मिल जाएगा, चेयर्स मिल जाएगी, टेबल मिल जाएगा, और साथ में ही आपको अटैच बाथरूम भी मिल जाता है। जो कि काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, और थोड़ा गर्मी इस टाइम मुझे लग रही है, बट शाम के टाइम ये बिल्कुल अच्छा रहता होगा। अगर आप यहाँ पर स्टे करते हो तो आपको पर पर्सन 1500 पे करना होगा, और लगभग 3 लोग एक टेंट में रह सकते हैं। ये वाला है इधर का रेस्टोरेंट, जहाँ पर आपको खाने पीने की फैसिलिटी मिल जाएगी, ये भी काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। चलते हैं वापस चायल की ओर। यहाँ पर जो तुम देख सकते हो ना, मतलब इतने ज़्यादा घने। अभी जस्ट चायल में हम पहुंच ही गए हैं। पहले हमने डिसाइड किया है कि हम पहले लंच कर लेते हैं,
काफ़ी भूख लगी थी तो इधर हमारा लंच हो गया। अब चलते हैं शिवकुंभ की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कैसा कुछ रहता है वहाँ पर। जो ये पेड़ है ना भाई, ये व्हील ही कुछ अलग दे रहा है। और इस वाले रोड पर जो कि कुफरी की तरफ जाता है चायल से, यहाँ से जाना पड़ेगा स्टोन कुंभ के लिए ऊपर वाले रोड।